हेलो दोस्तों, लवली लिविंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी वेस्ट मैनेजमेंट की। पर्यावरण की रक्षा के लिए वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और आज सारा देश इस पर खूब ध्यान दे रहा है, पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये कार्य हम घर से ही शुरू करें। सबसे पहले हम घर के सूखे और गीले कचरे को अलग करना सीखें। किचन वेस्ट अलग करने के बाद हम उसकी बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और यही कंपोस्ट तैयार करने की विधि आज मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए आप किचन का कचरा, इस कुछ सूखे पत्ते, गार्डन वेस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। और कंपोस्ट बनाने के लिए जो मैंने बिन लिया है वो मैंने पेंट की ही बाल्टी ले ली है। ये मैंने दो पेंट की 20 लीटर की बाल्टियाँ ली हैं। इसके चारों ओर मैंने एरेशन के लिए होल्स बना दिए हैं। ये देखिए, जैसे होल बना दिए हैं। और जब ये कंपोस्ट काफ़ी हद तक तैयार हो जाती है तो मैं इसको ये अर्दन पॉट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। सबसे पहले इसमें बिन में आप थोड़ी सी मिट्टी की लेयर बिछाइए। मिट्टी की लेयर बिछाने के बाद आप इसमें थोड़ा गार्डन का कचरा, एक लेयर उसकी, और ये हमारा कुछ किचन वेस्ट है, ये तरबूज के छिलके और केले के छिलके हैं इसमें, ये मैंने इसमें किचन का वेस्ट डाल दिया। इसके ऊपर मैंने एक मुट्ठी इसमें कंपोस्ट डाल दी है ताकि इसकी डिकम्पोजिशन फास्ट हो सके। सबसे ऊपर सूखे पत्तों के लिए इस प्रकार हम गीले कचरे और सूखे कचरे की लेयर बना देंगे। ये एक लेयर हो गई हमारी। सेकंड लेयर में फिर गार्डन का वेस्ट या किचन का वेस्ट डालेंगे। ये मेरे कुछ किचन वेस्ट हैं, सब्जियों के छिलके। उसके ऊपर फिर मुझे कंपोस्ट की एक लेयर बना दी। और सबसे ऊपर इसको हम ड्राई लीफ से कवर कर देंगे। ये हमारी दो लेयर हो गई। इसी प्रकार हम इसमें लेयर्स ऐड करते जाएंगे और जब ये बिन भर जाएगा तो हम इसको एयर टाइट ढक्कन से ढक देंगे। लगभग 15-20 दिन के बाद हम इसको किसी रेक की मदद से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं और ये कुछ दिनों बाद डिकम्पोज होकर पूरा अपने आप ही नीचे बैठ जाता है और इसमें और स्पेस बन जाती है। जब हमारी एक बकेट भर जाए तो हम यही काम दूसरी बकेट में स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पहले का कंपोस्ट बनना चालू है। इस प्रकार से तैयार कंपोस्ट फिर मैं इस अर्दन पॉट में स्टोर कर लेती हूँ। इस तरह के कुछ इस तरह की 2-3 महीने के बाद, गर्मियों में तो कंपोस्ट जल्दी बनती है, इस तरह की आउटपुट हमें कंपोस्ट की मिलती है। ये बहुत ही न्यूट्रिएंट से भरी हुई खाद होती है पौधों के लिए। इसे ब्लैक गोल्ड माना जाता है और पौधों के लिए बहुत अच्छी है। इस प्रकार हम किचन के कचरे को घर में ही रिसाइकिल होकर अपने पर्यावरण को भी मदद कर सकते हैं और अपने घर के पौधों को भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी घर में कंपोस्ट बनाइए और पर्यावरण की रक्षा कीजिए। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।